नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डिफेंस स्पीक के एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं TDBF यानी ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर के ऊपर आए एक अपडेट को, जिसमें इस एयरक्राफ्ट के टाइमलाइन के ऊपर कुछ अपडेट सामने आया है। तो अगर बात करें इस रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट में अडाज यानी एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से ये क्लियर किया गया है कि CCS यानी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा मिड 2023 तक TDBF के फंड्स को रिलीज कर दिया जाएगा, ताकि अडा इसके 4 प्रोटोटाइप्स के ऊपर काम शुरू कर सके। फिलहाल तो अडा की तरफ से इस प्रोजेक्ट के एस्टिमेटेड कॉस्ट का एक कैलकुलेशन नेवी को हैंडओवर कर दिया गया है, जिसके बाद पॉसिबिलिटी ये दिखता है कि मार्च 2023 तक इसका अप्रूवल मिल जाएगा CCS की तरफ से। और अगर बात करें इसके इनिशियल बजट रिक्वायरमेंट की, तो TDBF के फर्स्ट 4 प्रोटोटाइप्स के मैन्युफैक्चरिंग में एस्टिमेटेड 14,000 करोड़ के फंड्स का रिक्वायरमेंट है, और इस फंड के रिलीज होने के 3 साल बाद यानी 2026 तक इसके फर्स्ट प्रोटो को रोल आउट कर दिया जाएगा, और 2030-31 तक इसके इंडियन नेवी में कमीशन होने का पॉसिबिलिटी है। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें TDBF के करंट स्टेटस की, तो कुछ दिन पहले यह रिपोर्ट आया था कि TDBF का प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू 2023 के मार्च में ही कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद CDR यानी क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू को अडा द्वारा स्टार्ट किया जाएगा, जो कि मिड 2024 में कंप्लीट होने का पॉसिबिलिटी है। और जब CCS का क्लियरेंस इस प्रोजेक्ट के ऊपर मिल जाएगा, तब इसके प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल तो इसके 2 वेरिएंट्स के डेवलपमेंट के ऊपर सोच विचार किया जा रहा है, जिसमें एक तो है स्टोवर कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हमारे प्रेजेंट कैरियर्स को ध्यान में रखकर डेवलप किया जा रहा है, और दूसरा रहेगा कैटोवर वेरिएंट हमारे फ्यूचर कैरियर्स के लिए। मगर अभी के टाइम पे इसके स्टोवर वेरिएंट के ऊपर ही तेजी से काम किया जा रहा है, और इस रिपोर्ट के अनुसार प्रेजेंट टाइम में इसके हाई स्पीड मॉडलिंग टेस्ट को कंडक्ट किया जा रहा है। अब आते हैं इसके फ्यूचर रिक्वायरमेंट के ऊपर कि कितने नंबर में TDBF इंडक्शन का पॉसिबिलिटी है इंडियन नेवी में। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें प्रेजेंट सिचुएशंस की, तो इंडियन नेवी दोनों कैरियर से ऑपरेट कर रहा है MiG-29K को, जो कि सफिशियंट नहीं है दोनों कैरियर्स के लिए। इसके अलावा नेवी MiG-29K के परफॉर्मेंस से भी खुश नहीं है। कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा, एक MiG-29K गोवा के करीब अरेबियन सी में क्रैश भी हुआ था, और यह नेवी के MiG-29 का 5th क्रैश था। तो नेवी फ्यूचर में अपने कैरियर से MiG-29K को ऑपरेट नहीं करना चाहता, इसीलिए ही नेवी F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 और राफेल M को इवैल्यूएट भी कर रहा है, जहां इन दोनों फाइटर जेट्स में किसी एक को विक्रांत का एयरविंग बनाया जाएगा 26 के नंबर में एक्वायर करके। इंडियन नेवी के इस एक्विजिशन के ऊपर आज एक अपडेट यह भी आया है कि नेवी की तरफ से इसका फाइनल इवैल्यूएशन को कंप्लीट कर लिया गया है, और इसका रिजल्ट इसी साल दिसंबर में ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और इस एक्विजिशन में और भी तेजी लाने के लिए इस डील को पूरा ही गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंडर में ही किया जाएगा। तो एक तरफ तो नेवी के F-18 या राफेल M के चूज करने के 3 साल बाद से ही ये इंडियन नेवी में इंडक्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसे विक्रांत का एयरविंग बनाया जाएगा, और दूसरी तरफ MiG-29K को नेवी HAL की मदद से अपग्रेड कर रहा है, जो कि आने वाले 10 ईयर्स तक अपना सर्विस देता रहेगा विक्रमादित्य के ऊपर से, और इन्हीं MiG-29s को रिप्लेस करेगा TDBF। यानी आप अगर MiG-29s के ही नंबर को मान के चले, तो यहाँ पे TDBF का पॉसिबिलिटी बनता है 45 यूनिट्स। इसके अलावा फ्यूचर में जब हमारे सेकेंड इंडिजिनियस कैरियर को सर्विस में लाया जाएगा, तब भी इसी एयरक्राफ्ट को एयरविंग बनाया जाएगा उस कैरियर का। और अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ बात करें, तो फिलहाल तो एयरफोर्स का कोई गोल नहीं है TDBF के ऊपर। अभी के टाइम पे नेवी ही पूरी तरीके से बैक कर रहा है इस प्रोग्राम को, मगर फ्यूचर में एयरफोर्स भी इसको Su-30 MKI के रिप्लेसमेंट के तौर पे इंडक्ट कर सकता है, क्योंकि नो डाउट ये अपने कैटेगरी में एक काफी अच्छा फाइटर जेट होने जा रहा है, जो कि कुछ पॉइंट्स में 5th जनरेशन का कैपेबिलिटी भी रखेगा। तो इन फ्यूचर हम TDBF के 50-200 यूनिट्स को इन सर्विस देख पाएंगे। इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताइए। इसी अपडेट के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। स्वस्थ रहिए, जय हिंद।